नमस्कार दोस्तों, भारतीय बाजारों में एक और फोन आया है इनफोकस की तरफ से। जरा देखिए आप और इसकी कीमत मुझे बताइए, क्योंकि इसका डिजाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ब्लैक और एक और कलर है, गोल्ड कलर के वेरिएंट में आया है। तो आप देख सकते हैं ब्लैक कलर दिखने में खास बात दिख रही है, किस तरह से कैपेसिटिव बटन्स वगैरह स्क्रीन वगैरह देख सकते हैं। मैं इसकी और पिक्चर दिखाता हूँ और गैस करिए आप ये फ़ोन की क्या कीमत होगी, क्योंकि मैं थोड़ी देर में रिवील करने वाला हूँ इसकी कीमत क्या होगी। तो आप भी सोच में रह जाएंगे फ़ोन की कीमत क्या होगी। फ़ोन दिखने में एकदम सीधा साधा दिख रहा है, ये आपको गोल्ड कलर वेरिएंट में दिखा रहा हूँ। इसके पीछे कैमरा है 5 मेगापिक्सल का, फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का है, पीछे आपको फ्लैश एलईडी फ्लैश है। इनफोकस जो अमेरिकन कंपनी है उनका अब तक का बजट फ़ोन है, ये बजट में ही है, तो आपको कीमत अब तक अंदाज़ा लग गई होगी। जी हाँ, बजट कीमत में जो फ़ोन आते हैं उसकी कीमत। चलिए रिवील करते हैं, आपने डिज़ाइन तो देख ली है फ़ोन की किस तरह से दिख रहा है। तो ये है इनफोकस A2। इनफोकस A2 जो फ़ोन है भारतीय बाज़ारों में लॉन्च हो चुका है और ये केवल मिलेगा ऑफलाइन मोड पे, ऑनलाइन मोड पे नहीं मिलेगा। यानी एक्सक्लूसिव फ़ोन नहीं है, ऑनलाइन पे मिल सकता है लेकिन इसकी स्पेशलिटी जो है वो ऑफलाइन मार्केट में। तो अगर ये ऑनलाइन होता तो मुझे लग रहा 500 रुपये और सस्ते होते, लेकिन ऑफलाइन होने की वजह से इसकी कीमत मैं बता दूँ, इसकी कीमत है 5,199 रुपये, यानी 5,200 रुपये में फ़ोन। और ये फ़ोन कम्पीट करने वाला है रेडमी के 5A के साथ पे, जिसकी कीमत 4,999 रुपये ऑनलाइन मार्केट पे है। ऑफलाइन मार्केट पे शायद इसकी कीमत 200-300 रुपये और ज़्यादा हो सकती है। तो इनफोकस A2 की गैलरीज मैंने दिखा दी किस तरह दिखता है। ब्लैक कलर मुझे काफ़ी पसंद आया। तो फ़ोन के साथ में ऑफर्स है, मोबी क्विक से आप परचेस करेंगे तो 300 रुपये का सुपर कैश मिलने वाला है, और जियो से परचेस करेंगे तो 30 GB, जियो के यूज़र्स अगर आप फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं यानी आपके जियो का सिम इसमें लगाएंगे तो आपको 30 GB का एडिशनल डेटा 4G वाला मिलने वाला है। मोबी क्विक का जो 300 रुपये है वो सुपर कैश है, ना कि कैश है, इसको याद रखिएगा। सुपर कैश क्या है अगर इसके बारे में लोग जानना चाहते तो मैं एक वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे कमेंट्स में लोग पूछे तो ठीक है। तो A2 के बारे में दिखा देता हूँ, इसकी जो स्पेशलिटी है वो 2.5D की कर्व ग्लासेस है, जो कि कॉमन सा फीचर हो गया है। 2 GB 16 GB एक बेसिक फीचर्स के साथ में आया, क्योंकि इसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं है तो इस हिसाब से ठीक है। प्रोसेसर के मामले में मैं थोड़ा सा निराशाजनक महसूस कर रहा हूँ, आपको बताता हूँ। प्रोसेसर स्पेक्ट्रम का 9832 है, इसके लिए मुझे अच्छा नहीं लगा। एटलीस्ट मीडिया टेक का देते और अभी तो स्नैपड्रैगन भी दे सकते हैं आप इस कीमत पे, लेकिन चलो ऑफलाइन में है इसलिए इन्होंने ऐसा किया है। तो 5 MP का आगे पीछे कैमरा है, कैमरा के फीचर्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, जो कि आपको ब्यूटी मोड्स वगैरह के साथ में आता है, कट फेस कट्स वगैरह के साथ में आते हैं। स्क्रीन आप देख सकते हैं, कैपेसिटिव टच बटन्स दिए गए हैं इसके अंदर, और इसके अंदर स्क्रीन जो है 5 इंच की है, 2.5D कर्व ग्लासेस, साथ में 720x रिजोल्यूशन है इसकी, और इसमें 1.3 GHz का मीडिया टेक का तो नहीं दिया है, इन्होंने स्पेक्ट्रम का दिया है SC9832 का चिपसेट, जो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि स्पेक्ट्रम के प्रोसेसर उतने पावरफुल नहीं होते, जो एकदम लो क्वालिटी के होते हैं वो स्पेक्ट्रम के प्रोसेसर्स होते हैं। तो प्राइस को कहीं ना कहीं इन्होंने एडजस्ट किया है स्पेक्ट्रम प्रोसेसर के साथ में। फ़ोन की क्लैरिटीज़ वगैरह ठीक है, क्योंकि 720 की रिजोल्यूशन है, और इसका नॉगट 7.0 के ऊपर आता है, और इनकी उसके ऊपर आपको काम करता है 360 UI, इनका यूज़र इंटरफेस जो है उसको 360 कहते हैं, जैसे कि मी का MIUI है उस तरह से इनका 360 का यूज़र इंटरफेस है। और इसके अंदर बैटरी जो है वो 2400mAh की बैटरी है, इतना मुझे पसंद नहीं है बैटरी। नॉगट 7.0 के फीचर्स दिए गए हैं तो उसमें आप एंजॉय कर सकते हैं। हालांकि ओरियो के बारे में कंपनी ने कुछ इसमें खास अभी तक बताया नहीं है। हॉटस्पॉट वाईफाई सपोर्ट करता है, 16 GB की स्टोरेज है, आप इसको 64 GB तक बढ़ा सकते हैं, और सारी चीज़ें तो मैंने बताई थी। 2 GB के साथ में 16 GB की इंटरनल मेमोरी है, और ये सारी चीज़ें हैं। तो कहाँ से आप बाय कर सकते हैं, यहाँ क्लिक कर सकते हैं तो आपके नज़दीकी स्टोर्स में आप परचेस कर सकते हैं, उसका एड्रेस भी आ जाएगा यहाँ पे, जहाँ जहाँ पे अवेलेबिलिटी होगी। और इसके जो सर्विस सेंटर्स है वो 400 जगह से अधिक पे है। चलिए फिर इसी साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, बहुत सारी जानकारी मैंने दे दी है, ऑफलाइन पे आप जाके इसको परचेस कर सकते हैं। फ़ोन देखने में काफ़ी खूबसूरत है, और ये 4,999 रुपये के रेडमी से कम्पीट करता है 5,299 रुपये। तो आप कौन सा फ़ोन लेना चाहेंगे दोनों में से, मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। भेजी टेक्निकल देखने के धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।